सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग फंडा टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हाईवे दैट इज लेक्चर ईट एंड चैप्टर चल रहा था आपको दूसरा दैट इज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर हमने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को पढ़ लिया था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में हम क्या पढ़ रहे थे पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक और पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आपके लेट्रल फ्रिक्शन एंड लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन फिर इसके स्कीड एंड स्लिप के बारे में हमने पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड अन इवेंडेंस इंडेक्स के बारे में ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है सो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा देखो लाइट रिफ्लेक्शन में बेसिकली लाइट रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे दो टाइप के रोड आपको पता है कि होते हैं एक होता है आपका फ्लेक्सिबल रोड और दूसरा होता है आपका रिजिड रोड ठीक है वैसे तो रोड आपके चार टाइप के होते हैं लेकिन अभी आप बेसिकली दो टाइप के समझो एक होता है फ्लेक्सिबल रोड और एक आपका होता है रिजिड रोड ठीक है फ्लेक्सिबल रोड क्या होता है बेसिकली जो आपने विटामिन आपने मैक्सिमम जो रोड देखे होंगे जो आपके आसपास होंगे उसके ऊपर हम विटामिन का लेयर लगा देते हैं ठीक है विटामिन से जो भी आपका रोड बनता है वो आपका क्या होता है फ्लैक्सीबल रोड होता है ठीक है जो कि लेयर बाई लेयर में होता है और जो ब्लैक कलर का होता है ब्लैक कलर का जो आपको दिखता है लेकिन जो आपका जिड पेमेंट होता है वो आपका वाइट रोड होता है ठीक है तो इन दोनों को लाइट रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू समझाने कि आखिर क्या होता है तो दिन के टाइम में दिन के टाइम में देखो दिन के टाइम में ये ब्लैक वाला रोड जो है ना वो बहुत ही अच्छा है क्यों दिन के टाइम में ये ग्लेयर इफेक्ट नहीं देता है मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट आके आपकी आंखों पर चमक रही है ऐसा कुछ नहीं होगा दिन के टाइम में इसमें यानी ये बेस्ट है ठीक है लेकिन रात में क्या होता है कि तो रोड काली ऊपर से रात काली ठीक है तो देखो काला चीज़ कोई भी चीज़ को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है तो जो भी आपकी बाइक की भी लाइट होगी वो भी हल्के फुल्के एब्जॉर्ब कर लेता है इसकी वजह से ये ब्लैक रोड जो है रात में बहुत ही पुअर विजिबिलिटी देता है मतलब अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती ठीक है ये हो गया आपकी इसकी बात ब्लैक रोड की लेकिन वाइट रोड जो है ना इसकी बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी होती है रात के समय पे लेकिन दिन के समय में ये एक ग्लेयर इफेक्ट देता है आंखों पे एक चमक देता है ठीक है ना जैसे लाइट रिफ्लेक्शन होगा बहुत ज़्यादा होता है इससे ठीक है लेकिन ओवरऑल मैं दोनों से पूछूँ आप अगर पूछना चाहो कि सर दोनों में से मैं किस लाइट किस वाले रोड को बेस्ट मानूंगा तो वाइट रोड जो होता है ओवरऑल रिजिट पेमेंट जो होता है आपका बेटर होता है फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट से ठीक है ये लाइट है एच एल नहीं है एच ठीक है लाइट रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कौन सा लाइट बेस्ट कौन सा रोड बेस्ट है आपका रिजिट पेमेंट बेस्ट है यानी कि वाइट रोड बेस्ट है ठीक है ओके okay, तो आप इसको नोट कर लो फिर आगे हम बढ़ते हैं ठीक है सो so, अब पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है अन अवेरनेस इंडेक्स अब ये कौन सा टर्म है यह अनअवेयरनेस इंडेक्स होता क्या है तो बेसिकली क्या है आपको ये पता होगा कि जो भी रोड जा रोड पे, जिस रोड पे भी हम चलते हैं वो रोड अभी तो फिलहाल जब नया नया बनता है तो बहुत ही स्मूथ दिखता है आपको बहुत ही स्मूथ दिखेगा आप मतलब आप अच्छे से अपनी बाइक चला रहे हो लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धीरे 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 रोड में क्या होने लगती हैं थोड़ी सी अनडोलेशन आने लगती है अनडोलेशन मतलब रोड ऐसा पहले था अब ये हो गया यू यूं ऐसे ऐसे हल्का हल्का जो है अनडोलेशन उसके से कुछ सिचुएशन जाता है कहीं एकदम स्ट्रेट गोचुएशन रोड में बनने लगती है तो के से, हैवी के से, कुछ ना कुछ रोड में जो है आपको, जो आपको दिख रहा था वो धीरे धीरे क्या होने लगता है अंडोलेट होने लगता है अंडोलेशन उसमें आने लगती है ठीक है तो अंडोलेशन आने लगती है यह बेसिकली क्या है वो आपको बाहर से ही दिख जाएगा भाई ये एंडोलेशन दिख रहा है आपको ठीक है ना कि ये एंडोलेशन है मतलब विजिबल एंडुलेशन है क्या है विजिबल एंडोलेशन है तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको अन इंडेक्स क्या है कि आपका क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव विजिबल क्यूमुलेटिव विजिबल एंडुलेशन है क्या है क्यूमुलेटिव विजिबल

अब देखो सपोज करो ये होनी चाहिए क्या इसको ये ओरिजेंटल होना चाहिए था लेकिन बेसिकली दिख क्या रहा है आपको ये सर राइजन फॉल दिख रहा है राइजन फॉल दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे हम मेजर करेंगे ठीक है और मेजर कैसे करते हैं हम पता ये लगाएंगे कि भैया ये रोड जो है ये रोड में कितना अंडोलेशन है रोड की जो अन इंडेक्स है वो कितनी है रोड की जो अन इंडेक्स है वो कितनी है और इसको मेजर करने के लिए हमारा हमारे बेसिकली सी आर आर ने मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको हम बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर क्या बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर बम्प इंटीग्रेटर किसने बनाया था बम्प इंटीग्रेटर इसको किसने बनाया था इसको बनाया था आपके सी ने तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस बम्प इंटीग्रेटर मशीन को इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और उसको हम चलाते हैं मतलब इस रोड के ऊपर क्या करते हैं बेसिकली मूव कराते हैं वो मूव करते करते क्या होता है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक जो है ना इम्पल्स मारता रहता इसके उपर, है इसके ऊपर ठीक है इम्पल्स की तरह यूँ जैसे मूव कर रहा है रोड पे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मूव भी करता जा रहा है और ऐसे ऐसे, ऐसे इंपल्स दे रहा है ठीक है यू मूव कर रहा है ऐसे ऐसे एक इम्पल्स देता जाता है जिससे हम क्या मेजर कर लेते हैं हम मेजर कर लेंगे इसके अनअवेरनेस इंडेक्स को ठीक है अन अवेयरनेस इंडेक्स को देखो अगर अन ये सीधा सीधा ये बम्प इंडिकेटर क्या बताएगा आपको ये बम्प इंडिकेटर आपको बताता है अन अवेयरनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर अन अवेयरनेस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो किस आ, किस यूनिट में बताता है तो देखो यार लेंथ जो होती है रोड की वो कितनी होती है आपको पता होगा लेंथ जो रोड तो की आप नापोगे वो किलोमीटर में नापोगे ठीक है तो सपोज करो ये एक किलोमीटर का लेंथ है ठीक है इस एक किलोमीटर की लेंथ में कितना एम एम का कितनी एम एम का गहरा है mm में बताता है ठीक है तो एम एम पर किलोमीटर एम एम पर किलोमीटर में बेसिकली अन इंडेक्स बताया जाता है किसके द्वारा बम्प इंडिकेटर के द्वारा ठीक है किलोमीटर लेंथ में कितना एमएम mm एम गहरा है कितना कितना एमएम इसका अन इंडेक्स है है ठीक अब ध्यान देना मेरी बातों को अगर देखो तुम्हारा आईआरसी ने अकॉर्डिंग एज पर आईआरसी लिख लो एज पर आईआरसी आईआरसी ने कहा कि अन अवेयरनेस इंडेक्स अगर तुम्हारा इंडेक्स किस में होता है एमएम mm पर किलोमीटर में इसको नोट कर लो अगर कहा आईआरसी ने कहा कि अगर आपका अन अवेयरनेस इंडेक्स जो है फाइव हंड्रेड से क्या है कम है लेस देन फाइव हंड्रेड है फाइव हंड्रेड एम एम मतलब एक किलोमीटर में फाइव हंड्रेड एम एम ही मिल रहा है आपको तो इसका मतलब आपका रोड जो है अभी ठीक है अभी गुड कंडीशन में मतलब अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है मतलब आप, आपको रोड को बनाने की जरूरत नहीं है रोड ठीक है अभी मतलब अभी ज़्यादा गड्ढे उसमें नहीं हुए हैं गाड़ियाँ आराम से चल सकती हैं एक्सीडेंट के चांसेस कम है ठीक है अब यही अगर मैं फाइव से आपका फाइव से ट्वेंटी कर दूँ कितना सॉरी इट्स नॉट फाइव हंड्रेड इट्स फिफ्टीन हंड्रेड याद करना 1500 है 1500 होता है 500 बहुत कम हो जाएगा 1500 सौ एम एक किलोमीटर के रेंज में ठीक है अब ये जो होता है आपका नेक्स्ट अगर ये 1500 से लेके आपका 2500 के बीच में हो जाए 1500 से लेके 2500 फाइव हंड्रेड पर किलोमीटर हो जाए तो अभी भी रोड कहेंगे कि यार अभी बनाने की जरूरत नहीं है नहींक्ट्री अभी काम चलाऊ है इसको क्या बोल देंगे सेटिसफैक्ट्री मतलब काम चलाऊ है सेटिस फैक्ट्री इसको लिख दो तो काम चलाऊ अभी रोड आपका क्या है सेटिस्फैक्ट्री है काम चला हुआ है ठीक है उसके बाद से रोड जो है आपका अगर 25 अगर आपका अन अनेवन, अवेयरनेस इंडेक्स आपका 2500 फाइव हंड्रेड एम एम पर किलोमीटर से बत्तीस सौ एम एम पर किलोमीटर में आ जाता है इसका मतलब रोड को किसकी ज़रूरत है रोड को रिपेयर की जरूरत है अभी बैड कंडीशन में आ गया भैया अरे खराब हो गया रोड रिपेयर करो किसकी ज़रूरत है अब इसको रिपेयरिंग की यहाँ पर क्या करोगे रिपेयरिंग करोगे यहाँ पे रिपेयरिंग करोगे ठीक है अब देखो उसके बाद अगर बत्तीस ज़्यादा हो जाए बत्तीस से ज़्यादा आ जाए बत्तीस सौ पर किलोमीटर से ज़्यादा आ जाए इसका मतलब बहुत ही ख़राब है यार तुम्हारा रोड जो है वो बहुत ही क्या है खराब है मतलब अनकम्फर्टेबल जोन में आ गया हो तुम किस में आ गए हो अनकम्फर्टेबल जोन में अनकम्फर्टेबल और इसके लिए हमको रोड को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है फिर से बनाना पड़ता है रिकन्स्ट्रक्ट रोड ठीक है फिर से बनाना पड़ता है, है? है? नोट कर लीजिए फटाफट हमें रोड को क्या करना होगा फिर से बनाना पड़ेगा ठीक है आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा एक फॉर्मूला पूछता है बम इससे रिलेटेड तो आपको याद रखना बी आई इक्वल टू बस फॉर्मूला याद रखना बी आई इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा उसे ठीक है बी को अगर इंटर इंटरनेशनल सम कनेक्ट करें तो ये होता है आपका सिक्स थर्टी आई आर आई सिक्स थर्टी आई आर आई टू डी पावर वन पॉइंट वन टू टू दी पावर वन पॉइंट वन टू लिख लेना टू डी पावर वन पॉइंट वन टू ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डी पावर वन पॉइंट वन टू ये कभी कभी पूछ लेता है आपका ठीक है आर आर में पूछा हुआ है ठीक है तो आप इसको नोट कर लेना आई होप कि आपको समझ में आया हो तो पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद वो होगा हमारा कैंबर ठीक है पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो सेकंड है हमारा कैम्बर है कैंबर के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे